मॉर्निंग। तो अभी आज मैं चल रही हूँ, 11:30 हुए हैं, तो आज मैं चलूँगी, आप लोगों को साथ लेके चलूँगी। और आज मुझे ख़रीदना है वॉश बेसिन, जो डाइनिंग टेबल के पास का वॉश बेसिन होता है उसका पूरा प्लेटफॉर्म और उसका जो कैबिनेट होता है वो, पत्थर ख़रीदना है और टाइल्स देखना है और सिंक, इतनी चीज़ें आज ख़रीदनी है, देखिए क्या क्या हो पाता है। और दो तीन ब्रांड मैंने देखे हैं सिंक के लिए, जगुआर सोच रही हूँ लेने का, देखती हूँ क्या लेती हूँ। और टाइल्स कौन सी ब्रांड का लूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। किचन में जो है मैं टाइल्स की जगह नैनो वाइट लगवा रही हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी क्यों टाइल्स की जगह मैं नैनो वाइट लगवा रही हूँ, क्या अंतर है दोनों में। और जो भी पत्थर लूँगी सारी चीज़ें शेयर करूँगी, एक वीडियो में नहीं होगा तो दो वीडियो डाल दूँगी, लेकिन शेयर ज़रूर आपके साथ करूँगी, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अगर कोई चीज़ लगवानी है तो कैसे क्या करना है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहले हम कहाँ जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कजारिया के शोरूम, रिंग रोड पे है कजारिया का शोरूम, तो वहाँ पे जाएंगे, फिर देखेंगे कि हमें क्या पसंद आता है। वहाँ जाने पे बहुत से टाइल्स भैया ने दिखाए हमें बाथरूम के लिए, एक्चुअली हम बाथरूम के लिए ही ले रहे हैं क्योंकि फ्लोर पे हमारे जो घर में है वहाँ पे मार्बल्स लग गए हैं, उसकी वीडियो आएगी। तो एक नॉर्मल टाइल्स दिखाया था भैया ने, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो ये HD फिनिश्ड में उन्होंने दिखाया जो ग्लॉसी फिनिश होते हैं, तो इसमें 4-5 ही थे। प्राइस में बहुत अंतर नहीं था दोनों में, लेकिन ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। इसका इन्होंने पूरा एकदम एक सेटअप बाथरूम का बना के रखा था, और जो नॉर्मल वाले थे उनको ऐसे ही खाली एक एक करके दिखा रहे थे, तो मैंने वो देखा ही नहीं, मैं HD वाले पे ही आ गई थी। तो ये ऐसे जो देख रहे हो आप ऐसे थे, वो शाइन बहुत आ रही थी, एकदम फेस दिख रहा था उसमें। तो मुझे जो सबसे लाइट वाला था वो पसंद आया, और बहुत वहाँ बड़ी टाइल्स भी थी, आगे मैं दिखाऊंगी। बट मुझे क्या है, मैंने जो मेरे घर में लगाने वाले हैं भैया टाइल्स और मार्बल लगा रहे हैं, उन्होंने बोला कि 2 बाई, ये जैसे 2 बाई 1 बाई 2 का टाइल्स है वो वॉल के लिए, और या फिर 1 बाई 1 का ही टाइल्स लगाना सही रहेगा। उससे क्या होता है, जो हम पानी का फ्लोइंग सिस्टम होता है वो बहुत सही, ढाल जो होती है वो सही आती है, इसलिए हम बड़े वाले ना देख के अभी फ़िलहाल देख रहे हैं यही। देखा तो हमने छोटे बड़े वाले भी थे, बट डिसाइड हमने यही किया कि हम यही लेंगे और सही भी ये रहता है। तो अभी फ़िलहाल हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 2-3 कलर हल्के जो थे उसमें से कौन सा लेना है। मोस्टली मुझे यही वाला पसंद आ रहा था, इसलिए मैं बार बार यहीं पे आ रही थी। तो इसके अकॉर्डिंग अभी ये तो हो गया हमें वॉल के लिए ग्लासी, और फ्लोर के लिए हमेशा एंटी स्किड बाथरूम में टाइल्स लगती हैं, या फिर जो मैट टाइल्स होती हैं वो लगती हैं। तो उसके लिए फिर गए थे भैया लाने कि इस पे कौन सा टाइल्स मैच कराएं, जो कि फ्लोर और बाथरूम का फ्लोर और जो वॉल है वो अच्छी दिखे। तो एक ये भी था, ये जो है पति देव को बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा डार्क लगा ये लाइनिंग इसकी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया, उनको बहुत शाइनिंग आ रही थी इसमें। तो और एक ये भी था जो देख रहे हो आप, बहुत अच्छा ये भी लग रहा था, बट मेरा वही था कि मुझे वो पसंद आ गया था, इसीलिए मैं बार बार वहीं पे जा रही थी और वहीं पे जाके रुक रही थी। एक ये ब्लू कलर में भी था इस साइड में, HD फिनिश में वो भी था, एकदम ग्लॉसी। तो बट क्या था, वो थोड़ा डार्क लग रहा था मुझे मेरे बाथरूम के लिए। आई थिंक 6, 8 या 9 बाथरूम है, तो उसके लिए मुझे एक जैसा ही चाहिए था। ये भी कॉन्सेप्ट ठीक था, बट मुझे सबसे अच्छा वही वाला लगा, तो मैंने कहा नहीं भैया आप वही दे दीजिए। और इनको मैंने बोल दिया कि अगर आपको ब्लू पसंद है तो ये किसी में ब्लू भी करवा लेते हैं, बट बोले नहीं लाइट कलर ही बाथरूम में ठीक रहेगा। तो एक ये भी था, आप जो देख रहे होंगे जो भी दिखाए उन्होंने उसमें से, और मैक्सिमम जो HD ग्लासेस थे वो लाइट कलर में ही, सॉरी HD टाइल्स जो थी वो लाइट कलर में ही थे, और उनकी जो फिनिशिंग थी ना वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। आप खुद भी देख सकते हैं अंतर जो है कितना बढ़िया लग रहा है, तो बाथरूम में कितना अच्छा लगेगा। और मैं फ़ोटो में बार बार इसीलिए देख रही थी करके कंपेयर कर रही थी कि मतलब कौन सा डार्क लग रहा है कौन सा लाइट लग रहा है। और फाइनली हमने पसंद वही वाला किया, जो अभी हम क्या है ऊपर आ गए, ऊपर जो है बड़ी टाइल्स थी। आ रहा है ना,
तो वहाँ पे जो है उन लोगों भैया ने बोला जो वहाँ बेच रहे थे सेल्समैन थे उन्होंने बोला कि आप जो है बड़ी टाइम लगवाइए, लेकिन हम लोग मतलब घर से ही सोच के गए थे और अपने जो लगा रहे पत्थर उनसे पूछ के भी गए थे कि नहीं हमें जो है बड़ी टाइल्स नहीं चाहिए बाथरूम में, हमें 1x1 या 1x2 के ही टाइल्स चाहिए, बट वो दिखा रहे थे उनका काम था दिखाना। ये जो सारी बैटरी क्लास थी वो रेक्टिफाइड नहीं है बैटरी फाइड ये। हेलो हाँ जी सर नमस्कार बताइए। अगर ब्लैक रहेगा तो ऐसा लगेगा देखिए, गोल्डन इसमें डाला अभी नहीं निकला कल निकलेगा बट नहीं अच्छा लगेगा। ये तो बड़े साइज में है 4x4 में बाथरूम के लिए ना, इधर सब बड़े साइज के हैं। नहीं ये आपका 2x4 है, ये 2.5x5 है, पत्थर इतना बताया जा रहा है ये वाला तो वही साइज में पूरा लगा है मतलब थोड़ा सा। ये तो अभी सेकंड ऑप्शन है, इससे बड़ा तो किसान लगा 4x6 वो वाला ना वो साइज ये फ्लोर साइज का फ्लोर वही साइज लगा हुआ सेम साइज का भी हमने मार्बल लगवाया सेम व्हाइट कलर में और एक भी टाइल्स भी है हमारे पास। ये कैसे रेट में टाइल्स है ये 160 रुपए पहले मटेरियल सेम है भैया। ये क्या पत्थर से ज्यादा ड्यूरेबल तो होती नहीं होंगे सही बताइए। पत्थर से ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते बट लुक उनसे ज्यादा अच्छा आता है ना, मतलब क्या उससे शाइनिंग ज्यादा रहेगी। वही मैं देख रही हूँ हाँ। लाइट के लिए ग्लॉस उसका मेंटेन रहता है हाँ। जैसे हमेशा चमके अब जैसे ये सब टाइल हमारी है हाँ। एसिड प्रूफ होती है, मार्बल आप कितना भी महंगा लगा दिए एसिड प्रूफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकती ना। ओके ए सी घर में गिरे कहाँ से, और स्टेन फ्री होगी ये टाइल्स, स्टेन फ्री आप मार्बल चला दिए कपड़ा लेके साफ क्लीन हो जाएगा। पत्थर आप कितना भी मांगा लिए 1000 रुपए 2000 रुपए फुट ले लिए स्टेन फ्री नहीं होगा नहीं उससे। ना। हाँ। वो अभी और ये कितने स्क्वायर फीट है भैया ये वाला, ये सस्ती से क्वालिटी सब नहीं होगा जो चीज ये है उसमें है जो सामने है साइज का साइज का सिर्फ साइज का ये भी ये देखिए ये वाला भी कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बड़ी साइज है हाँ हाँ एक देखिए यहाँ पे लेकिन वो बहुत डार्क है नहीं अभी मैंने ये वाला पसंद किया है और क्लोज भी ये वाला पसंद किया है। ये बता रहे हैं भैया 56 और ये बता रहे हैं 45 देखते हैं कितना करते हैं। ये सब कजारिया का ही है भैया, टोटल कजारिया अपने पास कजारिया का ही है और आप भी आ जाओ कुछ बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं करेंगे वैसा बताएंगे। और ये है रिंग रोड पे ही फाइनल करने के बाद मैं एक बार फिर से जो नीचे वाला फ्लोर के लिए टाइल्स लिया था उसको मैंने जो है वॉल की टाइल्स से मैच करा के देख रही थी कि साथ में कैसे लगेंगे। उसके बाद मैं आ गई ऊपर जहाँ की वॉश मशीन जो हमारी लॉबी के लिए या डाइनिंग एरिया के लिए जो वॉश मशीन लेना था वो वहाँ पर भैया हमें समझा रहे थे। ये मिलेगा तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, बाकी तो मैं ट्राई करूंगी ब्लैक एंड व्हाइट ही लूं देखते हैं क्योंकि किचन और डाइनिंग टेबल का ब्लैक एंड व्हाइट है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर ये स्पेस है, इसको हम कैबिनेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये भी ठीक लग रहा है मुझे, एक ये मैं देखती हूँ और ये क्यों नीचे क्यों हो गया ये वाला, ये हैंग नहीं किया गया। अच्छा हैंग नहीं किया गया, ओके 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 समझ गए हैं। बाकी तो इधर मुझे कुछ खास नहीं लगता, ये वाला देखते हैं ये देखिए सेम बहुत अच्छा लग रहा है ये यहाँ पे रखने के लिए और ये मिरर साथ में देंगे और
ये वाला देखते हैं ना, ये ब्लैक वाला देखते हैं। इतना दिखाए एक उधर अभी मैंने देखा है, वो सबसे बेस्ट लगा है ना आपको, वो दिखाती हूँ चलकर। सबसे पहला वो दिखाया था यहाँ पे, आइए ये एप्पल की डिजाइन भी बनी है। ये देखिए, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये मेरे घर से मैच करेगा ना, ये वाला ही मैच करेगा। आप देखिए इधर, या तो आप ये देखिए, ये भी मेरे घर से मैच करेगा, और या फिर ये वाला, ये देखिए, ये मुझे चाहिए। तो जो भी प्राइस आपको लिखे हैं, जिनके भी वो जो मुझे पसंद आए हैं, सिर्फ उन्हीं के प्राइस लिखे हैं, जो दो तीन मुझे सबसे ज़्यादा उनमें से अच्छे लगे। और ब्रांड सेरा का है ये, और मुझे तो बहुत अच्छे लगे तीनों। तीनों में से कोई भी मैं लगवाने के लिए, कोई मेरे एकदम डाइनिंग टेबल से मैच करेगा। तो बस ये इतना फाइनल करके हम आ गए घर की ओर, चल दिए क्योंकि शाम हो गई थी सुबह दोपहर से। और फिर जो चीज़ें बची हैं वो फिर किसी और दिन जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के तभी हम चीज़ें खरीद सकते हैं। घर इतना आसान नहीं होता है चीज़ें फाइनल करना, सेलेक्ट करना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, और कुछ आपका भी सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।